भाई साहब, माचिस होगी आपके पास? शुक्रिया। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? ओह, क्या आपने ये पढ़ी है? नहीं, मैं सब में विश्वास नहीं रखती। किताबों में या क्या हुआ? कुछ बोलेंगे नहीं? Dwelling about in silence, are we? मैं समझी नहीं। मतलब मौन रहने से आज तक कौन सा ही जवाब मिला है? जैसे हिंसा ने हमें कोई बड़ा जवाब दिया हो। आज मौन रहने से ही तो नमक का लगान माफ हुआ है। बात अभी सिर्फ नमक तक पहुंची है, हमारी गुलामी के लगान का क्या? The path to freedom is much longer than the road to Dandi. हिंसा से जो अच्छाई पैदा होती है ना, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर शहीद आजम से हमें कोई बात सीखने को मिलती है तो वो यही है कि हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। कभी अखबार पढ़ लीजिए। राइट नाउ वी नीड वायलेंस, नॉट साइलेंस। महात्मा से क्या नफरत करते हैं आप? ऐसी बात नहीं है। आप कभी जेल गए हैं? दो साल पहले जब आप लोग नमक की जीत मना रहे थे, तब मैं नमक बगैर खाना खा रहा था। वहां जेल में नेताजी भी थे और मुझे अभी भी याद है उन्होंने उस दिन हमसे क्या कहा था। The price of freedom is at the cost of our blood, not our forgiveness. कभी कभी लोगों को माफ कर देना सबसे प्रभावशाली औजार होता है। आपको पता है ना, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके अहिंसा की तरह। मुझे लगता है आप भूल जाते हैं कि हमारी मंजिल एक ही है। मुझे पता नहीं अगर हमारी ये आज़ादी की लड़ाई कभी ख़त्म होने वाली है। आज अंग्रेज़ों ने हमारी आज़ादी छीन ली, कल क्या पता हम एक दूसरे से ही आज़ादी छीन लें। सुनिए, मैं आपको देना भूल गई थी। वैसे आप ये रख के करते क्या है?